नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके और आपके परिवारजनों के लिए समृद्धशाली रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आपके साथ एक टॉपिक आज शेयर कर रहा हूं जो कि रिलेवेंट भी है, प्रासंगिक भी है। व्हाट आर द ऑप्शंस टू इन्वेस्ट दिस दिवाली? इस दीपावली पर हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो मुझे लगा एज अ लेमैन को मैं अगर गाइड कर पाऊँ, जो भी एक छोटी सी मेरी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है उससे, ताकि वो भी उससे लाभान्वित हो। तो दोस्तों इसी विषय को लेकर के आज के इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर ये भी दूंगा कि जो भी मैं यहाँ ओपिनियन दे रहा हूँ वो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग से है। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना नॉलेज बेस होता है। जो भी नॉलेज मैं यहाँ शेयर करूँगा, आप उस नॉलेज को अपनी नॉलेज के साथ मिक्स करके जो आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बने, आप उसके बेसिस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट का विकल्प चुनें। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट लिस्ट नहीं है। लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि एक आम व्यक्ति इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचता है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ईटीएफ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे आने वाली स्लाइड्स के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिस पर आप विचार कर सकते हैं वो इन तीन में से कोई हो सकता है, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड ले लें या आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लें, जिसको हम सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड भी कहते हैं दोस्तों, या आप इसकी जगह पर गोल्ड ईटीएफ, एक यूनिट के रूप में आता है जैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट होती है दोस्तों, ऐसे गोल्ड ईटीएफ का भी इन्वेस्टमेंट आप चुन सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, फिजिकल प्रेजेंस जब आप देखेंगे तो फिजिकल प्रेजेंस गोल्ड जब आप खरीदेंगे मार्केट से तो आपके पास में फिजिकली गोल्ड होगा। सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड में आपके पास फिजिकली गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड ईटीएफ में भी आपके पास फिजिकली गोल्ड नहीं होगा और ना ही भविष्य में मिलेगा। अगर मैं इनकम की बात करूं सर, तो इंटरेस्ट इनकम ना गोल्ड पर हमें किसी प्रकार से मिलती है, ना गोल्ड ईटीएफ पर मिलती है, परंतु दोस्तों सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड पर हमारे को इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो एप्रिसिएशन सर, जब जब गोल्ड की रेट बढ़ेगी या घटेगी तो तीनों में सिमिलर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी अब आप एक सेफ्टी मेजर से अगर इसी एप्रिसिएशन को कवर करते हैं, तो सेफ्टी मेजर सर फिजिकल गोल्ड रखने में सबसे ज्यादा रिस्की है, और यहां पर सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड ईटीएफ में नो रिस्क जैसी पोजीशन है, क्योंकि आपसे कोई आपके डीमेट अकाउंट से तो मेरी ओपिनियन में गोल्ड ईटीएफ की यूनिट चुरा नहीं सकता, फर्जीवाड़ा हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड रखने की सर कॉस्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं मेकिंग चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस की दृष्टि से बोलता हूँ, तो गोल्ड खरीदने में आपको सबसे ज्यादा, अगर मैं इसे नुकसान तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे ज्वेलर भाई यहाँ नाराज हो सकते हैं मुझसे, कि गोल्ड क्योंकि सामने वाला आपको उसको ढाल करके एक शेप दे करके दे रहा है, तो वहां आपसे मेकिंग चार्जेस लेता है, तो आपकी कॉस्ट है। सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड में कोई मेकिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में सर आपसे डीमेट के रूप में, क्योंकि आप ज्यादातर गोल्ड ईटीएफ होल्ड करते हैं, तो वहां पर आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेवन म्यूचुअल फंड ले सकता है। तो मैंने आपके सामने एक नजरिया रखा, क्योंकि जब आप गोल्ड में या सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक क्या नजरिया आपके पास बने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देना चाहूंगा सर, कि मान लीजिए धनतेरस के मौके पर मैं 5,000 रुपए का गोल्ड खरीदना चाहता हूं या 5,000 रुपए का गोल्ड ईटीएफ लेना चाहता हूं, तो सर जब मैं 5,000 रुपए का फिजिकल गोल्ड लेने जाऊंगा और 50,000 रुपए तोले की अगर मैं रेट मान लूं, तो मुझे मात्र 1 ग्राम लगभग का सोना मिलेगा। अब 1 ग्राम में कोई बहुत बढ़िया आभूषण बनकर के या कोई कॉइन बनके नहीं आ सकता। तो अगर मेरी पॉकेट छोटी है तो मैं उस समय अगर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मेरा मानना है सर कि जब जब मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन होंगे, मैं गोल्ड में एक छोटी पॉकेट के रूप में भी इन्वेस्टमेंट पुट इन कर सकता हूं। तो मेरा ये सजेशन है सर कि आप
यदि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तीन ऑप्शन आपके पास में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध हैं इस दीपावली पर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। और मैं पुनः बोलूंगा कि यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के प्रति भी जो मैं विचार रख रहा हूँ, आपको मेरे विचारों को अपने विचारों के साथ मैच करके जो ठीक लगे वैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंसल्टेंट, आई ऑलवेज थिंक कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, जब मैं अपनी नीड को एनालाइज कर पाऊँ कि ओके, इन द नियर फ्यूचर आई नीड सर्टेन रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ माई ऑक्यूपेशन और माई फैमिलीज ऑक्यूपेशन, कि मुझे भविष्य में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मकान नहीं है और अब मुझे मकान में शिफ्ट होना है क्योंकि मैं अब तक किराए के मकान पर रहता था, मैं छोटे मकान में रहता हूँ, मुझे बड़े मकान में शिफ्ट होना है, मैं अपने परिवार को बढ़ता देख रहा हूँ तो मुझे लगता है आने वाले समय में मेरे परिवार को बड़े रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। तो ये कुछ आधार हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें कि हाँ, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब रही बात कि साहब प्लॉट खरीदें, मकान खरीदें, फ्लैट खरीदें, ये भी सर सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। जैसे आज मैं किसी को बैंगलोर में ये नहीं कह सकता कि आप प्लॉट खरीदें, मकान खरीदें, नेचुरली उनको तो वहां पर फ्लैट ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं जयपुर का निवासी हूं तो जयपुर में हो सकता है मैं किसी को बोलूं कि भाई एक बार आप फ्लैट लेने की जगह अगर इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो प्लॉट लें। क्योंकि ये भी बात आप सब मेरे से ताल्लुक रखेंगे कि हाँ अनूप जी, जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे रेंट का कमाने की बात करते हैं, रेंट के बारे में सोचते हैं, तो वो रेंट उस प्रपोर्शन में नहीं होता जिस प्रपोर्शन में हम जनरली इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई अपकमिंग एरिया है जहां आपको लगता है कि हाँ, ये एरिया के पास में एयरपोर्ट आ रहा है नया, ये एरिया के पास में कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो अब ये फ्लरिश कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके निकट भविष्य में रिटर्न कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आपको ये जरूर कहूंगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट जिससे आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच करके इन्वेस्टमेंट करें तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट कई बार उतना तेजी से अप्रिशिएट नहीं हो पाती। दोस्तों, अब आपसे बात करता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं और दीपावली सीजन पर बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स बार बार बढ़ती गई हैं, तो इसका इंपैक्ट एफडीज के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के रूप में भी देखा गया। तो कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अनूप जी, क्या मैं आज की डेट में 60 महीने के लिए, 72 मंथ्स के लिए भी एफडी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखूं क्या। देखिए सर, एफडी में इन्वेस्टमेंट करते समय मेरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वन, सामने वाले की एज कितनी है। यानी अगर किसी व्यक्ति की एज कम है तो मैं उसे बोलूंगा कि साहब, आप अपने 100 रुपए के इन्वेस्टेबल फंड में से 20 रुपए एफडी में लगा लीजिए, 80 रुपए आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह में लगाएं। और यदि किसी व्यक्ति की एज मान लीजिए, जैसे मैंने ये 25 साल की एज की बात करी, अब अगर मैंने किसी व्यक्ति की एज से 55 इयर्स पर चर्चा करी, तो मैंने बोला कि साहब, अगर किसी पर्सन की 55 इयर्स की एज है तो ऐसी परिस्थिति में मैं उन्हें बोलूंगा कि हाँ साहब, अब आप 80% एफडीज की ओर रुझान करिए और 20% आप शेयर या म्यूचुअल फंड का रिस्क ले लीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ब्लाइंडली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि आप ब्लाइंडली मेरे सलाह पर प्योरली फिक्स डिपॉजिट में चले जाइए या प्योरली म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए या प्योरली शेयर्स में जाइए। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट कितना उपलब्ध है, आप रिस्क कितनी ले सकते हैं, ये सब देखते हुए सर आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होंगे। रही बात सर एफडीज की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, तो मैं ये कहूंगा कि एफडीज मोस्ट सेफ सिक्योरिटी है, क्योंकि ज्यादातर हम बैंकों में एफडी करते हैं, उसके बाद आप ट्रिपल ए लेवल की एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट एफडीज में कर सकते हैं। डिबेंचर बॉन्ड इनसे थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये कंपनियों के डिबेंचर बॉन्ड होते हैं। इसमें भी अगर आप पीएसयू के डिबेंचर बॉन्ड करेंगे तो लेस रिस्की है, और अदर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिस्की है। पर एफडी के बनस्पत आपको डिवेंचर बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने का ऑप्शन रहता है, तो
इस दीपावली यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट, एज एवं परिस्थितियों के अनुरूप फिक्स डिपॉजिट, डिवेंचर्स या बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों शेयर्स की बात करते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, मुझे लगता है कि भारत में अगर आप पिछले कुछ समय में रादर कोरोना काल से देखेंगे तो डीमैट होल्डर्स, ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। रादर गृहिणियों ने भी अब शेयर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी बात है, ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी है और इंडियन शेयर मार्केट में आए बूम का एक कारण ये इन्वेस्टमेंट एपेटाइट भी रहा। दोस्तों आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि शेयर्स में एक बहुत अच्छा फीचर है लिक्विडिटी, कि आप किसी भी शेयर में जाते हैं, अगर वो ए कैटेगरी शेयर हो सकता है, बी कैटेगरी शेयर हो सकता है, या और अच्छी जगह नाम लूंगा तो मैं बोलूंगा लार्ज कैप शेयर, मिड कैप शेयर या स्मॉल कैप शेयर। एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा सर कि अपने रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न हो सकता है 12 से 15% बैठे कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड मिला के, लेकिन आपकी पूंजी सेफ रहे। और अगर आप लार्ज कैप की जगह मिड कैप में जाएंगे और मिड कैप से स्मॉल कैप में जाएंगे तो आप पूंजी पर भी रिस्क लेने की संभावना बढ़ा रहे, लेकिन वहां पर रिटर्न आने की भी बात बढ़ सकती है। अब ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते समय ये जरूर ध्यान रखें सर कि आप किस तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आपने केवल किसी से फोन पे सुना या कहीं पर कोई टिप सुन ली उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया, या एक अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर के प्रति बनाई और फिर इन्वेस्टमेंट किया? मेरा मानना है सर कि हमें, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट केवल खोने के लिए नहीं करना है, बल्कि लॉन्ग टर्म में मेरा ये भी मानना है कि शेयर मार्केट आपको फिनोमिनल रिटर्न दे सकता है। इंडियन शेयर मार्केट अभी बहुत प्रॉमिसिंग है सर आने वाले कुछ वर्षों तक, तो मैं भी इसके प्रति सुनिश्चित हूं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं चाहे ये एडवाइस तो नहीं कर सकता कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए क्योंकि कॉल आपकी होगी, लेकिन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अच्छी दर पर प्राप्त किया जा सकता है यदि जिन शेयर्स को हम सिलेक्ट करें वो अच्छे शेयर्स हों, हमारी स्टडी पर बेस्ड शेयर हों, तो ये भी एक अच्छी कॉल इस दीपावली आप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करता हूं आपसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की। मैंने आपसे गोल्ड पर चर्चा करी, रियल एस्टेट पर चर्चा करी, एफडीज पर चर्चा करी, शेयर्स पर चर्चा करी। मुझे लगता है कि इनमें से कम शेयर्स पर और बॉन्ड डिबेंचर पर, इन दो का एक मिक्स प्रोडक्ट सर म्यूचुअल फंड तो यूज किया ही जा सकता है। एक मिक्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जनरली मिक्सिंग के ऑप्शन होते हैं कि डेट इक्विटी फंड हो सकता है जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज इक्विटी में लगाएगा म्यूचुअल फंड और कुछ परसेंटेज वो डेट में लगाएंगे। आपको लगता है कि नहीं अनूप जी मैं इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहता हूं, तो आप प्योर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे टैक्स भी बचाना है और शेयर मार्केट का एक्सपोजर भी लेना है पैसिवली, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो क्या कि यदि मान लीजिए मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट का एक एपेटाइट इस तरीके का नहीं है कि मैं मार्केट में स्टडी करके अच्छे शेयर सेलेक्ट कर सकूं, मार्केट स्टडी करना और शेयर चूज करना एक बहुत मुश्किल काम है सर, हर किसी के लिए संभव नहीं, तो अगर मैं उस परिस्थिति में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं जिसको एक फंड मैनेजर होल्ड करता है, फंड मैनेजर चलाता है, और वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट की अपनी एक स्टडी पर बेस्ड होकर के अपने अंडरस्टैंडिंग से अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पर रिटर्न देता है या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चूज करता है, तो मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं रिटर्न का। एटलीस्ट मेरी पूंजी की भी सुरक्षा वहां पर रहेगी, जो मैं एक ब्लाइंड रिस्क सीधे शेयर मार्केट में खेलूंगा उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आप इस दीपावली इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स द्वारा चलाए जाते हैं जो हमसे आगे रह करके मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की स्टडी करते हैं और उस स्टडी पर होकर के एक अपना रिस्क एनालिसिस को लेते हुए वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चूज करते हैं। एक अच्छा फीचर ये है सर कि आपको लगता है कि मुझे तो धनतेरस पे सर 1100 रुपए के ही शेयर खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड लेना है, तो कोई वो नहीं है कि सर आपको बड़ा अमाउंट होगा, आपके पास जितना पॉकेट है आप उसी पॉकेट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनने की ओर मेरी ओपिनियन में लेके जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड पर दोस्तों ये विचार मैंने आपको रखे।
अंत में दोस्तों पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये कहूंगा कि आप यहां डिस्कस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे कुछ लोग मुझसे बोल सकते हैं कि भाटिया जी आपने बिटकॉइन पे चर्चा ही नहीं करी। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं अभी बिटकॉइन पे बहुत नॉलेज नहीं रखता, इसलिए मैंने वहां पर उसके बारे में ना पॉजिटिव कमेंट कर सकता हूं ना नेगेटिव। जिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को मैंने थोड़ा देखा, उन पर वर्किंग करी कभी, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर्स हो, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू दीपावली के इस मौके पर आपके समक्ष रखने की कोशिश करी। और ऐसा इसलिए सर क्योंकि मैं मानता हूं कि सामान्य जन, जनता जनार्दन, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ब्लाइंडली किसी व्यक्ति के एडवाइस पर चलने से पहले अपने पैरामीटर्स पर तोले और फिर इन्वेस्टमेंट करे, ताकि लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। और एक और बात दोस्तों आपको यहां पर जोड़ के देना चाहूंगा अपनी ओर से कि इन्वेस्टमेंट करते समय एक्साइटमेंट तो सब में रहता है, पर जो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए कि अच्छा मैंने इस समय इन्वेस्टमेंट किया था, अब इसका क्या लेवल आ गया है, क्या मुझे यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए क्या। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है दोस्तों, जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। सो आई होप यू विल टेक केयर अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स एट दिस दीपावली, एंड आई विश कि आपकी दीपावली बहुत शुभ एवं मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।